Hi, today I'm discuss about applications of Gauss's law या Gauss theorem की application पढ़ने। उसमें सबसे पहले electric field due to infinitely long wire के कारण जो electric field intensity है उसको हम find करेंगे। कितनी होती है वैसे भी हम पहले derive कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा important है CBSE board के लिए। तो इसमें क्या आती है आपकी electric field, में बता देना चाह रहा हूँ आपको। E इज इक्वल टू 2k अपॉन्स लैम्डा अपॉन्स डी आई थी, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन्स डी। डी या आर, आर डिस्टेंस थी, कितनी डिस्टेंस पर हमने फाइंड किया, मैं आर लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इतना निकला था। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ये पूछी भी जाती है आपके एग्जाम में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है कोई आपका, ये वायर है, ये वायर है आपकी, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मीन्स बहुत ज्यादा लंबी वायर है, जिसकी मैं ये वायर है मीन्स इसकी अप्रोक्स हाइट मैं लिख दे रहा हूँ 2h, ये वायर है। इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है यहाँ से इस पॉइंट तक, मीन्स ये r डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो गॉस थ्योरम में क्या होता है आपका, तो गॉस थ्योरम में होता क्या है, जिसकी एच क्या है, हाइट है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हमें चाहिए क्लोज सरफेस से। इमेजिन हम इसको क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं, सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं। क्यों दे रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस क्या चाहिए, क्लोज्ड चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में, तो इसके कारण हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए पी पॉइंट पर। क्या ये रॉड थी, रॉड पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए थी गॉस थ्योरम को यूज करना। गॉस थ्योरम हम कब यूज कर सकते थे, जब सरफेस एनक्लोज्ड है। तो हमने इमेजिन किया गॉसियन सरफेस इस टाइप का होगा, क्या कैसा, सिलेंड्रिकल शेप टाइप का होगा। सपोज ये r डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण पहले हम जनरल पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इससे बाहर की ओर होगा E। सपोज यहाँ पर क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेते हैं। तो इस सरफेस, सपोज छोटा सा एरिया लिया ds, एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी, ds वेक्टर भी यही होगा, क्योंकि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और रेडियली आउटवर्ड से, रेडियस सॉरी, सरफेस से बाहर की ओर क्या होगी, वो होगी। अब देखो यहाँ पर लेते हैं हम गॉसियन सरफेस, ऊपर टॉप टॉप की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होगी, जैसे डी एस की वेक्टर या एस वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, और यहाँ भी बाहर की ओर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक सॉरी एरिया वेक्टर रेडियली बाहर वर्ड, लेकिन ये क्या होगा, ऐसे होगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी होगी, तो यहाँ भी इस टाइप का होगा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और ई और डी एस के बीच का एंगल्स, इसकी बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये कर्व है, ये टॉप है, ये बॉटम है, टॉप और बॉटम पर सेम चीजें होंगी, कर्व पर सेम चीजें। ई और डी एस के बीच कर्व्ड की बात करते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0 डिग्री है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। टॉप की बात करते हैं, तो टॉप की देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, यानी ई की डायरेक्शन ऐसी है कुछ, तो इसके बीच का एंगल थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, 3 केसेस बन रहे हैं यहाँ पर। ये है आपका टॉप, बॉटम्स और कर्व्ड, कर्व्ड में एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 0 डिग्री है, टॉप पर क्या है 90 डिग्री है। ऐसी क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बॉटम की बात करते हैं तो नीचे की ओर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये ई है, ये एरिया वेक्टर है डी एस, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगी, यहाँ पर थीटा कितना होगा आपका 0 डिग्री होगा। देखो कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, और जबकि टॉप और बॉटम में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की बीच का एंगल 90 डिग्री। हमने क्या किया, एक बार और सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर ली, इसके कारण इस पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की। फिर हमने क्या किया, हमें गॉस थ्योरम यूज करना है, तो उसके लिए हमें क्लोज सरफेस की जरूरत थी, तो हमने एक
क्लोज सरफेस यानी गॉसियन सरफेस को इमेजन किया, मीन्स माना इस टाइप का है सिलेंड्रिकल, तो इसके कारण इस गॉसियन सरफेस के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो ये कितनी होगी। तो अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, गॉस थ्योरम का यूज, गॉस थ्योरम होती क्या है, सबसे पहले गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू पांच एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस लाइन में, यानी सपोज इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी लैम्डा है, लैम्डा क्या है इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, क्यू चार्ज इंक्लूड है, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू पांच क्या होगा इस एच हाइट में, ये एच हाइट है, एच हाइट में क्या है क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा आपका क्यू पांच एच, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है क्यू पांच एच है, तो ये क्या है इतनी हाइट क्या है ऊपर की ओर डिस्ट्रीब्यूट है, तो Q इज इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा इंटू एच, ये क्या है इतना चार्ज होगा इस लाइन में। तो अब आते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, देखो इंटीग्रेशन पहले मैं कर्व्ड सरफेस का ले रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो कर्व्ड सरफेस सी एस लिख दे रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस ई डॉट डी एस और प्लस फिर टॉप वाले क्वेश्चन में E डॉट डी एस प्लस बॉटम में B लिख दे रहा हूं E डॉट डी एस, ये क्या होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय वन अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम्स, ये गॉस थ्योरम यूज किया, ये इसका ये पार्ट इतना पार्ट यूज किया गया है इस पर, तो ये क्या है इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका 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 मींस कार्बेट सरफेस में सेम है, टॉप और बॉटम में सेम है। अब देखो कार्बेट सरफेस के बीच बात करते हैं ई और डी एस के बीच का एंगल जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा कार्बेट सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो डिग्री कॉस जीरो प्लस टॉप बॉटम की बात करते हैं, टॉप की बात तो ई डी एस कॉस 90 कॉस 90 और ऐसी बॉटम की बात बॉटम नीचे तो ये भी क्या होगा आपका ई डी एस कॉस 90 कॉस 90 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, जीरो से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी, इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी वन होती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां पर कुछ चीजें दिख रहा है नोट किया होगा आपने, तो यहां पर ई डी एस मीन्स ई कॉन्स्टेंट है, ई को बाहर लिया, यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन डी एस ये बचा डी एस कॉस जीरो की वैल्यू वन और ये जीरो जीरो होगी इज इक्वल टू हमारा क्या बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी क्यू इज इक्वल टू यानी लैम्डा इक्वल टू हमारा क्या होता है लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एच, क्यू इक्वल टू लैम्डा एच, ये यहां से लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, ठीक है ये समझ में आया होगा। इसके बाद इंटीग्रेशन डी एस, ये डी एस बहुत छोटा एरिया है तो पूरे सिलेंड्रिकल सिलेंडर का एरिया क्या होगा, ये डी एस इतना एरिया है पूरा एरिया कितना होगा इसका टू पाई आर एच होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी टू पाई मीन्स डी एस छोटा है इंटीग्रेशन मीन्स टोटल टोटल का हो जाएगा टू पाई सॉरी ई इंटू टू पाई आर एच, आर डिस्टेंस पर हम फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू लैम्डा एच पांच एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां से हमने एच से एच कैंसिल आउट किया तो ई इज इक्वल टू क्या बना आपका ई इज इक्वल टू वन अपॉन 2 पाई आर 1 अपॉन 2 पाई आर 2 पाई आर इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैं इस दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी कर दे रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो E इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन R।
तो ये क्या होगा, आपका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, लंबे वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी। गॉस थ्योरम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसकी एक एप्लीकेशन है आपकी E इक्वल टू 1/4π2 का है। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, k इनटू 2 लैम्डा अपॉन r भी लिख सकते हैं, या 2k लैम्डा अपॉन r भी, ये पहले भी निकाल चुके हैं। यानी गॉस थ्योरम से इतना इजी है जो पहले बता रहे, उससे ज्यादा इजी तरीके से बता दिया मैंने। तो ये क्या है, एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आई। एक बार और देखते हैं, सारे सारे पहले हमने क्या किया था, ये क्या था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी p। तो हमें क्या चाहिए, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सरफेस एनक्लोज चाहिए, तो हमें इमेजिन करना है गॉसियन सरफेस, एक सिलेंड्रिकल इमेजिन किया, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इमेजिन किया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं जो h हाइट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बाहर की ओर e होगी, इस पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर होगा यहाँ बाहर की ओर होगा ds वेक्टर। अब टॉप वाले सरफेस की बात करते हैं, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है ds वेक्टर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ई वेक्टर, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाता है और यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो जाता है। और इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, सेम यही कंडीशन, इसकी बात करते हैं तो सेम ds वेक्टर नीचे की ओर और एरिया वेक्टर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, ये और ये 0 हो जाता है, बचता ये है ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आती है, ई इक्वल टू 1/4π/2λr। ये है गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।